दरवाजा में किली रहे, किली लगा रहे। नहीं मतलब एक एक मतलब जिस रूम में हम लोग थे हारमोनियम लेके, अचानक में प्रैक्टिस नहीं होता है कुछ कुछ आउ करना, अचानक मुंह में एक टोन आया, हुआ कि यार धुन अच्छा लग रहा है। फिर एक दो लोग आसपास बैठे होते हैं जो अपने घर जवार के होते हैं, मैंने पूछा यार कैसा लग रहा है, सबने बोला लागत तो ब्यास बढ़िया है लेकिन बुझात नहीं है, कहते टाइम ठीक नहीं है। जो जो सच है वो सच है। हमने बोला यार अब मैं क्या बोलूं, अब इतना लाइन सुनने के बाद मैं कुछ बोला नहीं। फिर मैंने बोला कि अच्छा ठीक लगा तनु तो हाँ, मैंने फटाफट उसको रेडी किया और म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं एडीआर भाई उनको मैंने भेजा, मैंने बोला क्या ये हो सकता है, तो जब सुने तो बोले कि भैया एक कुछ बात तो बा लेकिन उस मिजाज में आपको गाना पड़ेगा। हमको नहीं कि आप वो टेंशन छोड़ दीजिए, आप खाली बना लीजिए तगड़ा से। आया आया रिकॉर्ड भी होगा उसके बाद सुनेंगे तो हंसी आएगी आपको। जब रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर दिए और मैंने जब भेजा एक अपने किसी मित्र को सुनने के लिए, तो कहा था कि का गवला यह गवला है घंटा गौले बड़ा बात माँ तुम को भोकस लेखा लगता है। अब हमारे और मन थोर हो गया, हम कि जा जो नो तनी मनी उम्मीद जागर है वो गई। लेकिन लेकिन है कि जब गाना फाइनल मिक्स होके आया तो सर वाकई जब गाने का लाइन सुना ना, पहले मैं थोड़ा सोचा कि क्योंकि देखिए मुझे बोलने में क्या दिक्कत है, टाइम टाइम की बात है, मुझे उस टाइम लगा कि टाइम अभी नहीं होता है कि जब अच्छा हो तो कुछ भी सुहो तो अच्छा हो, नहीं तो अच्छे चीज भी। मुझे इस बात का डर था कि शायद ये गाना मैं फिर मेरे माइंड में आया कि ये गाना मैं नहीं गाता हूँ किसी को दे देता हूँ, ये आज पहली बार ये सच्चाई मीडिया में बोल रहा हूँ। मेरे अंतर मन में आया था कि इतना बड़ा बढ़िया गाना अगर मेरे से हिट नहीं हो पाया तो शायद मैं दोष दूंगा, शायद किसी को दे देता हूँ। अब किसी को मतलब कोई भी आर्टिस्ट उस टाइम हो सकता है, कोई लोकल आर्टिस्ट हो, कोई अपने जो आसपास दोस्त मित्र गाने वाले हो, क्योंकि बड़े किसी को तो फोन कर नहीं सकता था मैं। फिर मुझे क्या लगा ना कि एगो भोजपुरी में कहा था कि मुर्दा पर 6 मन चाहे 9 मन, अरे मान लो कि असहू स्ट्रगल में कष्ट भोगत नहीं एगो ना चली तो ना चली लेकिन यूज अपने पर कह लो। वही हाल है कि बैट्समैन 10 बार आउट हुआ है, अगर हवा बार में शतक लगेगा कि नहीं लगेगा लेकिन क्रीज पे चलो। लेकिन सर दुआ है आप लोगों का और कैसे कैसे बना वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन बना तो आज दिख रहा है लोगों को। आपने जिक्र किया कि किसी और को दे देते हैं, आपके अगर राकेश नहीं गाते सॉन्ग, सिंगर शायद कोई कोई ऐसा सिंगर होता जो 10-20-25 गाने गाए हो, या वैसा सिंगर होता जो राकेश को थोड़ा बहुत भैया हो या मानता हो या बोलता हो कि भैया कभी मेरे लिए कुछ अच्छा देखिए, ऐसे सिचुएशन में वही आदमी लेते हैं ना, हम किसी बड़े को तो बोल नहीं सकते थे। तो ये पूरे राकेश जी एक और क्वेश्चन है, राजा तनी जाई ना भरिया पार्ट 2 दर्शक बहुत बेसब्री से इंतजार करे, क्या आएगा वो गाना? ये बात आई फिर ये बात आपका सही है क्योंकि हर आदमी जब गाना हिट होता है तो दर्शक चाहते हैं उसका पार्ट 2 आए, तो इसका भी पार्ट 2 आना चाहिए दर्शक पूछ रहे हैं। ये आपकी बात सही है कि मैंने अभी मजाक मस्ती मीन्स की मैंने एक ट्राई अगेन एक पोस्ट किया अपने इंस्टा पे कि राजा जाई ना बहरिया 2 कौन कौन चाहता है कि रिलीज हो। मैं बहुत खुश हुआ कि सिर्फ एक लिखा हुआ था होता है ना उस पर ऐसे डाला था बिना फोटो उठो गया 1000 के करीब मतलब 1000 के करीब कमेंट है और मैंने अपने पेज पे डाला है तो लोग चलिए मैं एक भोजपुरी में एक बात बोल रहा हूँ कि अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि लड़के से ज़्यादा कहीं लड़कियों का कमेंट आ रहा है कि हम एक्साइटेड हैं इस गाने का पार्ट 2 सुनने के लिए, यानी कि भोजपुरी दर्शक और परिवार में गाना ये घर में तक घुसा, इसके लिए सबको धन्यवाद कि इतना सबको अच्छा लगा प्यारा लगा और काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं। तो मैं सबको बताना चाहता हूं कि अगर आपका आप ही लोगों ने राजा जाई ना बहरिया को हिट किया है और जब आप चाह ही देंगे कि पार्ट 2 आना चाहिए तो शायद मैं कोशिश करूँगा क्योंकि अभी तक मैंने इस पर ज़्यादा सोचा नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि क्योंकि 2 लाने का मतलब है कि आप लोग इंतजार करेंगे कि राकेश मिश्रा इससे अलग क्या लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा मेहनत करना है। तो क्या वो सॉन्ग